हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टार्टअप। और आज हम बात करेंगे कि IBM बाकी कंपनी से वर्ल्ड में कैसे डिफरेंट है। IBM जो कि एक ऐसी कंपनी है जिसने टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक नया रिवॉल्यूशन लाया वर्ल्ड में, तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन है, जो कि ऑपरेट हो रही है 170 देशों में, और ये 16 जून 1911 में शुरू हुई। हालांकि IBM का नाम 1926 में IBM पड़ा और इसकी शुरुआत छोटे छोटे चार कंपनीज के फाउंडर्स ने साथ में की। तभी IBM एक ही फील्ड में काम नहीं कर रही, IBM टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनोवेशन प्लस सारे फील्ड में काम करने की कोशिश कर रही है। IBM मैन्युफैक्चर करती है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर और ये प्रोवाइड करती है होस्टिंग कंसल्टिंग सर्विस। आज IBM सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड में, जहां सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है, करीबन 380,000 एम्प्लॉय, और साथ ही साथ ये फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म में। अगर हम इसके शेयर की बात करें तो वॉरेन बफेट ने 2011 में इसमें करीबन $11.8 बिलियन खरीदा और वॉरेन बफेट ने एप्पल के बजाय IBM को चूज किया, उसमें शेयर खरीदने का डिसीजन लिया। तो हम समझ सकते हैं कि वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर अगर IBM प्रेफर कर रहे हैं, तो IBM का लेवल और IBM आज किस मुकाम पे है हम समझ सकते हैं। IBM एक ऐसी कंपनी है जिसने टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन लाया, और आज जो हम कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हैं ये इसी की देन है। 1981 में IBM ने कॉम्पैक्ट पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम IBM 5150 रखा गया, और इसी के साथ पर्सनल कंप्यूटर का शुरुआत वर्ल्ड वाइड हुआ। IBM ने बहुत सारे इन्वेंशन किए, जैसे कि ATM, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, रिलेशनल डेटाबेस, SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, UPC, बारकोड, DRAM। IBM को भी काफी स्ट्रगल देखना पड़ा जब ये उस पीरियड में था जब इस कंपनी की ग्रोथ हो रही थी। उस वक्त वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था और उस वक्त IBM ने ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के फील्ड में फोकस बनाया बल्कि कई राइफल्स और ग्रेनेड बनाया इसने, जैसे M7 ग्रेनेड लॉन्चर, MI कार्बिन राइफल्स और डिफरेंट इंजन पार्ट्स बनाया IBM ने। आज IBM में काम करना एक ड्रीम है जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करना चाहते हैं। बट IBM डिफरेंट सारी कंपनी से इसलिए क्योंकि ये फैसिलिटीज एम्प्लॉय को ऐसी प्रोवाइड करती है कि एम्प्लॉय यहाँ बहुत खुश होकर काम करते हैं। फैसिलिटीज की हम डिस्कस करें यहाँ, तो फैसिलिटीज यहाँ ये है कि जैसे 2015 में IBM ने स्टार्ट किया एम्प्लॉय को ये ऑप्शन देना कि अगर आप कंफर्टेबल हो PC या MacBook पे काम करना तो वो आपको प्रोवाइड करवाएगी। ऐसे में मैक यूजर सबसे ज्यादा IBM में है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि IBM सबसे बड़ा शॉप हो गया मैक के लिए। IBM पहली ऐसी कंपनी बनी जो डिसेबल पीपल जिनको कोई भी प्रॉब्लम है उनको हायर किया और साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया ताकि वो भी बेस्ट कर सके। IBM में सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर ये टाइम पीरियड के बाद वर्कशॉप ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉयज का स्किल डेवलपमेंट करवाते रहें टाइम टू टाइम, और साथ ही साथ एम्प्लॉय भी समझे कि उन्हें एक्चुअली इंटरेस्ट किस काम में करने में है। फिर IBM उन्हें मौका देती है उस काम को करने का जिसमें वो बेस्ट है। IBM की एक और खासियत की बात करें तो ये ट्रेनिंग देती है वुमेन्स को, साथ ही साथ ये पेड वैकेशन भी देती है। IBM मेंटोर प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज को ताकि जब भी उन्हें कभी भी काम में दिक्कत हो वो अपने मेंटोर से हेल्प ले सके ताकि कोई भी काम इफेक्ट ना हो। तभी तो ह्यूमन राइट कैंपेन ने रेट किया 100% अपने इंडेक्स में IBM को। IBM में काम करने पे एक सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि आपको जरूरी नहीं कि आप 9 घंटे 10 घंटे की जॉब यहाँ करो, इफिशियंट वर्क IBM खोजती है। इसके लिए अगर आप जहाँ से भी कंफर्टेबल हो और इतने देर में आप वर्क सबमिट करके दे दोगे आप उसके बाद फ्री हो जाओगे। ये साथ ही साथ वीक में 2 दिन छुट्टी देती है, और अगर आप वीकडेज में छुट्टी लेते हो तो वीकेंड्स में आपको उस काम को करना होगा। आज IBM में काम किए लोग बड़ी दूसरी कंपनीज में CEO के पोस्ट पे, फाउंडर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह वर्क कर रहे हैं। हर साल IBM सेलेक्ट करती है 1000 एम्प्लॉयज को अपने और उन्हें सम्मानित करती है अवार्ड देके। तो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ के एम्प्लॉय को ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि वो सही से काम कर सके, और IBM इस चीज का पूरा ध्यान रखती है, अपने एम्प्लॉयज का पूरा ध्यान रखती है, तभी आज IBM सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है। ना सिर्फ एम्प्लॉयज बाकी अगर इंटर्न्स भी यहाँ जाते हैं तो उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी बताई जाती है और सिखाई जाती है जो उनको पता नहीं होता और उनके लिए नया होता है। साथ ही अपने एम्प्लॉयज को फॉरेन ट्रिप करवाती है ताकि एम्प्लॉयज जान सके कि किस देश में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ के माहौल को देखें और सीखें। सो ये था IBM के बारे में और IBM क्यों बेस्ट है बाकी कंपनीज से, जो कि सबसे बड़ा रीजन है इनका एम्प्लॉय जो वहाँ खुश होकर काम करते हैं। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कर सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन पे जाके लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।